यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज रे। स्टूडेंट, यदि आपने रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट वन नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि आप पार्ट वन सही से पढ़ लीजिएगा तो आपको पार्ट टू समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टूडेंट, आज का क्लास हम शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट दो। स्टूडेंट, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए उसे और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो सवाल है हमारा 32 के पावर 32 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। स्टूडेंट, जब आप नंबर सिस्टम का एक चैप्टर पढ़े थे यूनिट डिजिट इकाई स्थान, तो उसके दूसरे भाग में हम आपको बताए थे कि जब सवाल पावर पर पावर पर पावर के रूप में और भी आगे रह सकता है, ये ऐसा रहे तो आपको तीन वैल्यू ही लेना है। यहाँ की आपको देख रहे हैं कि तीन वैल्यू ही दिया हुआ है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो आपको क्या करना है कि पहला वैल्यू को जैसे के तैसे लिखना है, मतलब 32 के 32 ही लिखिए, दूसरा को भी 32 के 32 ही लिखिए, बिल्कुल सेम चीज। और तीसरा में आपको देखना है कि ये नंबर इवन है कि ओड है। यदि नंबर इवन रहेगा तो 2 लीजिएगा और ओड रहेगा तो 1 लीजिएगा। तो बताइए कि 32 जो है वो इवन नंबर है कि ओड नंबर है। तो आप कहिएगा कि 32 तो इवन नंबर है तो यहाँ पे 2 लेंगे, क्यों? क्योंकि इवन नंबर है, इसीलिए इवन नंबर है इसीलिए ले रहे हैं। आइए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, और भाग देना है 7 से। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप जानेंगे कि 32 है ये और 32 के स्क्वायर हो गया, 32 के स्क्वायर होता है 1024। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें 7 से भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अंश में हर से भाग देंगे, तो 7 चौके 28 और ये 32 है तो शेष क्या बचेगा, 4। तो 4 के पावर हो जाएगा 1024 बटा में 7। आप जानते हैं कि भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका पावर कितना रख देंगे जो भाग लगेगा। तो इसका पावर हम कहेंगे कि 4 के पावर 2 रख दीजिए और ये पावर हो जाएगा आधा, यानी कि 512 दूनी होगी आपका 1024। इसमें 7 से भाग देना है, तो आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 के पावर 512 और बटा में 7। तो इसको हम फिर से 16 में भाग देंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 होता है, बच जाएगा शेष कितना, 2। तो 2 के पावर हो जाएगा यहाँ पे 512 बटा में कितना, तो 7। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसको नीचे कर लेते हैं सॉल्व। तो आप जानते हैं कि 2 के क्यूब कम से कम रखेंगे तब ये भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 के क्यूब, यहां पे पावर हो जाएगा 170 तिहाई होता है 510, 170 तिहाई होता है 510, और गुना में 2 के पावर 2 रख दीजिए ताकि ये 510 और 2 512 आपका पूर जाएगा, बटा में हो गया 7। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 2 के क्यूब हुआ आपका 8 और 8 के पावर 170 गुने 2 के स्क्वायर 4 और बटा में 7। अब आप जानते हैं कि वही कंडीशन आ गया कि जब ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से एक ज्यादा हो तो पावर उसका सम रहे चाहे विषम रहे, शेष पर हमेशा एक ही होता है। तो इसका शेष हो जाएगा 1 और गुने, क्या इसमें 4 में 7 से भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, तो शेष इसका 4 के 4 ही रह जाएगा और भागा 7। तो 1 में हम 4 से गुना करेंगे तो 4/7। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला से यदि छोटा हो जाए तो शेष फल ऊपर वाला ही कहलाता है, यानी इसका रिमाइंडर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसके आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 4 जो है वो 7 से छोटा हो गया और जैसे ही ऊपर में छोटा हो जाएगा तो वही उसका शेषफल कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। आइए इसी टाइप का कुछ और सवाल लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 32 के पावर 33 के पावर 34 में 11 से भाग देंगे तो इतना का शेषफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पावर पर पावर पर पावर वाला सवाल रहता है तो आपको तीन वैल्यू ही लेना है। यहाँ पे तो 3 ही दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए कि इनफाइनाइट तक भी रहेगा तो आपको 3 ही वैल्यू लेना है, ठीक है। इसको फर्स्ट वैल्यू बोलेंगे, ये सेकेंड है आपका, और थर्ड में आपको देखना है ये नंबर इवेन है कि ऑड है। इवेन रहेगा तो 2 लेना है, ऑड रहेगा तो आपको 1 लेना है। आइए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो ये 32 के पावर 33 लीजिए और तीसरा नंबर को देखना होता है कि इवेन है कि ऑड, तो बताइए कि 34 जो है वो इवेन नंबर है कि ओड नंबर है। तो आप कहिएगा क्या
ये 33 है स्टूडेंट, ये इवेन है, इसलिए यहां पे क्या किए कि दू ले लिए। दू क्यों लिए? क्योंकि ये इवेन नंबर है 34 आपका, भागा कितना हो जाएगा 11। आइए, तो ये हो गया आपका 32, और 33 का स्क्वायर होता है 1089। 33 का स्क्वायर होता है 1089 बटा में 11। अब 11 से हम भाग देंगे 32 में, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 तक लगेगा, ये 32 है तो 32 में से 22 घटेगा तो आपका 10 बचेगा, और 10 के पावर हो गया 1089, भागा कितना 11। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब ऊपर वाला वैल्यू एक कम हो तो पावर को देखा जाता है कि पावर सम है कि विषम। यदि पावर सम होगा तो शेषफल हमेशा एक होगा, और यदि पावर विषम होगा तो बेस ही शेष होगा, तो बेस का अर्थ होता है अंश। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो ऊपर में कम है और पावर तो विषम है, तो विषम रहेगा तो बेस ही शेष का मतलब हो गया कि इसका रिमाइंडर जो होगा रिमाइंडर वो 10 होगा, और यही हमारा आंसर हुआ। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे पावर 1088 होता या 1090 होता तो यहाँ पे इसका शेषफल एक होता। तो अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिए, जिससे आपको समझने में उतना कठिनाई नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ पाइएगा आप लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, 8 के पावर 9 के पावर 10 के पावर 11 के पावर 12 के पावर, इसी प्रकार से 13 14 भी होगा, डॉट इनफाइनाइट है ये, अनगिनत वैल्यू है ये, इसमें 6 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा ये निकालना है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा। आपको करना क्या है कि आपको इनफाइनाइट तक से मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ आपको 3 नंबर से, फर्स्ट जैसे कि तैसे लीजिएगा, सेकेंड भी वैसे ही लीजिएगा, और थर्ड में देखना है कि ये वैल्यू थर्ड वाला जो है वो इवेन है कि ओड है। यदि इवेन रहेगा तो 2 लीजिएगा, और ओड रहेगा तो 1 लीजिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इवेन है तो यहाँ पे 2 लीजिएगा और आगे सॉल्व कर लीजिएगा जैसे आपको बताया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, आगे कुछ और अगले टाइप की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट में 999 का क्यूब प्लस 1000 का क्यूब, इसमें 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n तक के योग का सूत्र क्या होता है, तो योग का सूत्र होता है n × n+1/2, ये होता है योग का सूत्र। आइए, अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर डॉट डॉट में n का स्क्वायर रहेगा तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, n × n+1 × 2n+1/6 होता है। उसी प्रकार से यदि 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी प्रकार से डॉट डॉट में n का क्यूब का फॉर्मूला बताइएगा क्या होता है, तो ये क्यूब वाला का जो फॉर्मूला होता है, जो सिंपल 1 से प्रारंभ करके लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होता है, केवल उसका स्क्वायर करने से ये क्यूब का मान आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो आप जानते हैं लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2, इसका यदि आप होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है, इसी के फॉर्मूला का स्क्वायर कर दिए हैं तो ये क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इतना आप लोग समझ गए होंगे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट में एन का क्यूब का फॉर्मूला होता है n × n+1/2 के होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आइए ध्यान दीजिएगा इधर, तो हम जान गए कि इसका क्यूब का फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n के जगह पर क्या रखिएगा आप, 1000 रखिएगा, ठीक है, तो यहां रखेंगे n के जगह पर 1000, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, n के जगह पर 1000 प्लस 1, यानी कि 1000 एक हो जाएगा, बटा में दो। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, और पावर हो गया 2, और कंप्लीट के बटा में 13 से भाग देना है तो 13 रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से कट जाएगा ये 500 बार में पूरा, तो इसको लिखेंगे 500 गुने
1001 के स्क्वायर बटा में 13। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या, ये 13 से हम बारी बारी से भाग लगाएंगे दोनों वैल्यू में। तो हम 13 से भाग लगाएंगे तो बात को समझिएगा, पहले हम इसमें भाग लगा लेते हैं। तो 13 से भाग लगाएंगे तो 13 सते होता है 91, 13 सते 91। तो आप जानते हैं क्या कि ये 100 है, 91 घटेगा तो इसका मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा, और फिर से हो गया ये 91, फिर 13 से भाग लगाएंगे तो 13 सते 91, इसका मतलब ये वैल्यू पूरा पूरा 91 से कन्वे कर जाएगा, तो इसका मतलब शेष 0 हो जाएगा। तो ये शेष 0 हुआ, इसका मतलब क्या समझिए आप लोग कि 500 में यदि हम 0 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे, तो ये पूरे वैल्यू का परिणाम क्या होगा, 0 होगा। और 0 के स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, उसका तो मान 0 ही होगा। और 0 बटा 13, तो आप जानते हैं कि 13 से तो 0 छोटा होता है ना, तो आपका शेषफल जो हुआ वो 0 होगा, और यही हमारा आंसर हो गया, रिमाइंडर 0। हम क्या किए कि डायरेक्ट जानते हैं कि ये 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा कटने का मतलब क्या होता है कि उसका शेषफल 0 होगा। तो 0 हो गया, तो 0 में गुना करेंगे, 500 रहे चाहे कुछ भी रहे, वो 0 ही होगा। और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 में 13 से भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या होगा, 0 ही होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 100 प्लस 10 के पावर 1000 प्लस डॉट डॉट में इसी प्रकार से आगे 10 के पावर 1 पर 10 को सुनना है, बोला है कि इसमें 7 से भाग देने पर इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो आइए स्टूडेंट पहले कुछ बात को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर 10 का मतलब क्या समझे। देखिए सवाल बहुत ही आसान है, बस समझने की फिर है ये। 10 के पावर 10 का मतलब समझे कि यहाँ 1 पर 10 को सुनना होगा, 1 पर 10 सुनना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें यदि आप 7 से भाग देते हैं, बात को समझिएगा, 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7 बचेगा यहाँ पे 3, ये 0 उतरेगा, 7 चौक 28, फिर ये 0 उतरेगा, मतलब 2 बचा यहाँ पे, तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, ये 0 उतरेगा, 7 8 56, शेष या 4 बचेगा, अब ये 0 उतरेगा, 7 5 35, शेष 5 बचेगा, फिर ये 0 उतरेगा, फिर लगाइएगा 7 7 49, बचेगा 1, फिर 1 0 उतरेगा, फिर 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बचा, फिर ये 0 उतारिएगा, फिर 7 चौके 28, 2 बचेगा, फिर ये 0 उतारिएगा, फिर 7 दूनी 14, शेष बचेगा 6, फिर ये 0 उतारिएगा, 7 8 56 होता है, मतलब शेष बचेगा यहाँ पे 4, मतलब अंतिम में शेष कितना बचा आपका, 4 बचा। मतलब क्या है कि 10 के पावर 10 लीजिएगा और 7 से भाग दीजिएगा तो आपका शेष 4 बचेगा, चाहे 10 के पावर 100 का मतलब क्या हुआ कि 1 पर आप 100 सुनना बिठा करके 7 से भाग दीजिएगा तो भी आपका शेष लास्ट में 4 ही बचेगा। 1 पर यदि आप 1000 सुनना बैठा करके 7 से भाग दीजिएगा तो भी आपका शेष फल 4 ही बचेगा। तो स्टूडेंट ऐसे करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, एक चीज़ करके दिखा दिए आप लोग को, आप लोग ये चीज़ मानना ही पड़ेगा कि इसमें क्या करेंगे, 10 के पावर 10 कीजिए, 7 से भाग दीजिएगा तो भी 4 ही शेष बचेगा, 10 के पावर 100 कीजिए, 7 से भाग दीजिए तो भी आपका शेष 4 ही बचेगा, मतलब सबका शेष इसमें 4 बचेगा। अब बताइए इसमें पद कितना है, तो ये पहला पद में 1 0 है, दूसरा पद में 2 0 है, तीसरा पद में 3 0 है, तो इसी प्रकार से ये 10वां पद होगा तब ना इसमें 10 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक पद में शेष के क्या बचेगा, 4 बचेगा, डॉट डॉट में लास्ट में भी क्या बचेगा, 4 बचेगा, अब बटा में कितना है, 7 है। तो आप जानते हैं कि पद 10 को है तो 10 को 4 होगा, अरे 10 को पद है तो 10 को 4 होगा ना, तो 10 चौक 40 हो गया आपका, सबको जोड़िएगा तो ये 40 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो 7 5 35 तक तो कर जाएगा,
बच जाएगा 5/7। इसका मतलब आप समझते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा जब हो जाता है तो शेष जो है वो ऊपर के कहलाता है। तो इसका रिमाइंडर हो गया आपका, शेषफल हो गया आपका 5। तो चलिए स्टूडेंट कुछ और सवाल देखते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है, फैक्टोरियल 1+, फैक्टोरियल 2+, फैक्टोरियल 3+, फैक्टोरियल 4+, फैक्टोरियल 5+, फैक्टोरियल 6+, डॉट डॉट में प्लस फैक्टोरियल 99 में 12 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है कि क्या होगा इसका शेषफल। आइए स्टूडेंट जब इस टाइप का सवाल आएगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे एकदम आराम से समझिएगा और अगला सवाल खुद कोशिश कीजिएगा बनाने का। पहले ये सवाल को समझिएगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 1/2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 1/2/3 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 1/2/3/4 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान मतलब 1 से लेकर के गुना करते हुए 5 तक जाएंगे तो फैक्टोरियल 5 का मान होगा। अगर 100 का मान पूछेगा फैक्टोरियल में तो 1 से लेकर के गुना करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे 100 तक, सबका गुणनफल का मान ही फैक्टोरियल 100 का मान कहलाएगा। तो आइए स्टूडेंट तो हम जानते हैं क्या, फैक्टोरियल 1 का मान 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 का मान 2 हुआ, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 का मान 1/2 का मतलब तो 2 ही हुआ, फैक्टोरियल 3 का मान 1/2/3 करेंगे तो 1 × 2 = 6 हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 4 का मान 1 × 2 × 3 × 4 होगा यहाँ पे, सॉरी 4 तक होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 × 2 = 6, 6 × 24। अब आगे जो है ना हम फैक्टोरियल 5 का मान 0 ले लेंगे। अब बोलिएगा कि हम 0 क्यों लेंगे बाबू, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 हम इसीलिए लेंगे क्योंकि अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 5 का अगर मान निकालिएगा तो 1 से 5 तक गुना जब कीजिएगा इसको तो इसका वैल्यू तो 120 होगा। तो 120 में क्या करिएगा आप, 120 में यदि आप 12 से भाग दीजिएगा तो ये वैल्यू पूरा पूरा कर जाएगा तो शेष तो 0 ही आएगा। उसी प्रकार से आगे भी लिखिएगा आप, फैक्टोरियल 6 का मान हो जाएगा आपका 720, गुना करके देख लीजिएगा 120 में 6 से गुना कीजिएगा या 1/2/3/6 तक गुना कीजिएगा तो 720 हो जाएगा। तो 720 में भी आप 12 से गुना कीजिएगा तो 12×6=72 पूरा पूरा कर जाएगा तो शेष 0 ही बचेगा। इसका मतलब आगे जो है आपका शेष 0 0 ही बचेगा, करके देख लीजिएगा आप लोग। और बटा में क्या है 12, तो आप जानते हैं यहाँ पे हो गया, देखिए इसमें देखिए अब क्या करते हैं, जो कटने वाला होगा, जो पूरा पूरा कटने वाला होगा उसका शेष हम डायरेक्ट 0 लेके चलते हैं। कैसे, 12 से 720 पूरा पूरा कर जाएगा, 12×6=72 इसका शेष 0 आएगा। 12 से हम क्या करेंगे काटेंगे इसको तो ये पूरा पूरा कर जाएगा, 12×12 या कहिए कि 12×10=120 होता है, ये पूरा पूरा कटिएगा तो शेष क्या होगा 0 होगा। 12×2=24 होता है यानी कि शेष पर क्या होगा 0 होगा। 12×2=24 पूरा पूरा कटिएगा 2 मरतबे यानी कि शेष क्या हुआ इसका 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए तो बचा क्या आपका, बच गया 1+2+6, तो 6×2=8 और 1=9, 9 में हम 12 से भाग देंगे तो ये ऊपर में छोट हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 9 होगा, 9 आपका इसका रिमाइंडर हो जाएगा 9 और यही आपका आंसर होगा। तो बात समझिएगा स्टूडेंट, जब भी आपको बेस में फैक्टोरियल लगा रहेगा ना, क्या बोल रहे हैं बात को समझिएगा मेरा, गौर कीजिएगा, सवाल में यदि बेस में फैक्टोरियल लगा रहेगा तो आपको शुरू से काम तब तक करना है जब तक कि बेस के इकाई स्थान पे 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 आएगा तो उसके बाद का पूरा वैल्यू जो है सबका 0 0 0 0 ही होता हुआ आगे बढ़ जाएगा। जैसे फिर से समझिए इस सवाल को, इसको मिटा देते हैं कुछ को। आइए ध्यान दीजिए, आपका सवाल इतना ही है, इसको आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब बेस में फैक्टोरिया लगा हुआ, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, कि जब बेस में फैक्टोरियल लगा हुआ हो तो शुरू से काम तब तक करेंगे जब तक कि बेस के इकाई स्थान पे 0 ना आ जाए। और जैसे ही 0 आएगा तो वो वैल्यू तो आपका 0 कहलाएगा ही, उसके आगे का पूरा टर्म जो है आपका वो 0 में ही काउंट होगा। जैसे यहां समझिए, जैसे फैक्टोरियल 1 का काम करेंगे यहां पे तो इसका मान तो 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 का मान निकालिएगा यहां पे तो 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मान अभी निकाले तो 6 हो गया, फैक्टोरियल 4 का मान 24 हुआ और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। तो जैसे ही इकाई स्थान पे 120 आ गया, 120 आया, तो
तो ये पूरा का मान समझेंगे कि 120 नहीं है, ये पूरा का मान समझेंगे कि ये जीरो है। इकाइयों स्थान पे जैसे ही जीरो आ गया तो ये पूरा वैल्यू का मान जीरो लेंगे, और आगे समझेंगे कि सबके इकाइयों स्थान पे जीरो आएगा तो आगे सब जीरो जीरो ही होगा। अब क्या करना है, इसमें हमको 12 से भाग देना है, या तो आप सबको जोड़ लीजिए या आप यहीं पे इसको काट सकते हैं। तो एक काम कीजिए, इसको जोड़िएगा, अगर आप तो जोड़िएगा तो यह जाएगा 24 और 34, 30 और 2 32, 32 और 1 33। तो 33 में यदि हम 12 से भाग दे देंगे तो 12 दूनी 24, 12 दिए 36 होता है ना, 36 होता है तो पूरा पूरा कर जाता, लेकिन ये 33 है तो 12 दूनी 24, और 24 और 9 होता है 33। इसका मतलब इसमें 9 बटा 12 बचेगा, और आप जानते हैं कि ऊपर में छोटा हो गया और छोटा है 9, तो इसका शेष क्या हो गया, 9 के 9 होगा, यही आपका आंसर होगा। मतलब बेस में जब भी फैक्टोरियल लगा हुआ रहेगा तो शुरू से आपको काम 4 तक ही करना है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 में आपका 0 आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 में 0 आएगा, फैक्टोरियल 7 आगे बढ़ेंगे तो 0 0 ही आएगा। इसलिए जब इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको फैक्टोरियल 4 तक ही मान निकालना है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, उसके बाद जो है आपका 0 0 0 0 ही वैल्यू आएगा, देख लीजिएगा करके आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, उसी प्रकार का ये सवाल है आपका, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी आपको बताए हैं कि जब बेस में फैक्टोरियल लगा हुआ रहेगा तो आपको शुरू से क्रिया तब तक करना है जब तक कि इकाई स्थान पे जीरो ना आ जाए, और जैसे ही इकाई स्थान पे जीरो आ जाएगा तो उस पूरे वैल्यू को जीरो मानिए, और अगला टर्म सब जीरो के ही बराबर होता चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 5 का मान जीरो होगा, और उससे पहले का सभी मान को हम आपस में जोड़ लेंगे और 8 से भाग दे देंगे, और वही हमारा शेषफल होगा जो बचेगा वो। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, 1 से लेकर 4 तक गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, प्लस में फैक्टोरियल 5 का मान क्या लेंगे हम लोग, तो जीरो लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इकाई स्थान पर जीरो होगा तो पूरा वैल्यू जीरो ही कहलाएगा, प्लस में जीरो, इसी प्रकार से डॉट डॉट में जीरो। इसमें क्या कीजिए, 8 से भाग देना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इसको छोटा कर सकते हैं पूरे वैल्यू को, और नहीं तो सबको जोड़ करके 8 से भाग दे दीजिए, आपकी मर्जी है। तो एक काम कीजिए, तो 8 से पूरा पूरा कर जाएगा तो ये भी इसका भी मान जीरो आ गया, और यहाँ देखिए 6 2 8 और 1 9, तो 9 बटा 8, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 में 8 से भाग लगाएंगे तो 1 बटा 8 हो जाएगा। अब ऊपर में क्या हो गया कि छोटा हो गया, तो इसका शेषफल क्या होगा, 1 होगा, यही हमारा आंसर हो गया। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, तो 1 आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से ये टाइप भी कवर हो गया होगा। चलिए कुछ और सवाल हम देखते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 99 पूछता है क्या, इसमें 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, और बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 53, ये सब पूरा एक ही संख्या है पूरा के पूरा। देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये पूरा के पूरा एक ही संख्या है, इसको हम कैसे बनाएंगे तो आप समझिएगा इसको कैसे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार दिया हुआ है आप लोग को, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको 8 का नियम पता होना चाहिए, 125 का रूल मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले एक टॉपिक होता है रूल ऑफ डिवाइडेड, वो आपको पढ़ना होगा। चलिए स्टूडेंट, उसका एक वीडियो अलग से अपलोड करके हम डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 8 से कटने का नियम क्या है और 125 से कटने का नियम क्या है, और आगे एक सवाल और आएगा उसमें 3 से कटने का नियम क्या होगा, उसको खाली समझना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 से कटने का नियम होता है कि अंतिम से 3 गो अंक 8 से कटे। देखिए अंतिम से 3 अंक 8 से कटे, 4 का नियम होता है कि अंतिम से 2 गो अंक 4 से कटे, तो संख्या पूरा पूरा 4 से कट जाता है, और 8 के नियम में अंतिम से 3 गो अंक 8 से कटे तो वो संख्या पूरा पूरा 8 से कट जाता है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेषफल का सवाल है, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा तो शेषफल बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप जानते हैं कि यहाँ पे 99 है तो इससे पहले रहा होगा 98,
अभी तो 98-99 आया, तो अंतिम के तीन अंक क्या है इसमें? तो अंतिम के तीन अंक है 899। इसमें यदि हम 8 से भाग देंगे तो जो कटेगा वो कटेगा, जो बचेगा वो शेष कहलाएगा और वही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 से 8 पूरा पूरा कर जाएगा, 8 एक 8 तो बच जाएगा 1, 8 दूनी 16, तब जानते हैं कि 19 है ये और 16 तक कट जाएगा, घट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा इसका? 3/8। तो 3/8 का मतलब हुआ कि ऊपर में वैल्यू कम हो गया तो शेष इसका 3 ही होगा और यही हमारा आंसर हुआ। 8 का नियम होता है कि अंतिम के तीन संख्या में भाग लगाइए, यदि वह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा तो वो 8 का नियम होता है। तो पूरा पूरा कटेगा इसका मतलब शेषफल 0 होगा, और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो कुछ बचेगा, तो वही जो बचेगा वही आपका शेषफल कहलाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, उसी प्रकार से ये सवाल भी है, दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी प्रकार डॉट डॉट में 53 तक का पूछा है कि इसमें 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आपको हम एक बात बता दें कि जो 4 का नियम होता है वही आपका 25 का नियम होता है, मतलब 4 के नियम में होता है कि अंतिम के दो अंक कटे, और 25 के नियम में भी होता है कि अंतिम के दो अंक 25 से कटे। 8 के नियम में अभी पढ़े हम लोग कि अंतिम के तीन अंक जो है से 8 से कटे, और उसी प्रकार से 125 का भी नियम होता है कि अंतिम के तीन अंक जो है वो 125 से कटे। तो ध्यान दीजिए, तो अंतिम के तीन अंक 125 से कटने का मतलब क्या हुआ कि अंतिम से तीन अंक, ये तो 53 है, इससे पहले 52 रहा होगा, तो अंतिम से तीन अंक क्या हो जाएगा? 253। तो 253 में आप क्या कीजिए, आप 125 से डायरेक्ट भाग लगाइए, तो 125 से भाग लगाइएगा तो 125 दूना होता है 250 यानी 250, तो यहाँ है 253, तो आप जानते हैं क्या कि 3/125 बचेगा। अब बताइए क्या ये भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर में छोटा हो गया, तो जैसे ही छोटा हो जाता है तो शेषफल क्या होगा? 3 होगा, और यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, एक सवाल और है, उम्मीद करते हैं वो सवाल आप लोग बना लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... 47, बोले इसमें 3 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 3 का रूल क्या होता है। तो देखिए, तो 3 का नियम होता है कि यदि अंकों का योग मतलब जितना भी अंक दिया हुआ है सबका योग यदि 3 के गुणज हो, गुणज का मतलब होता है कि 3 के पहाड़ा में आ जाए, तो वह पूरी संख्या 3 से अवश्य कटती है। तो ध्यान दीजिए, 1 से स्टार्ट है और ये 47 तक है, तो इसके अंकों का योग करेंगे तो आप जानते हैं क्या कि योग करने का मतलब हुआ कि 1 + 2 + 3 + ... में 47 तक जाएंगे हम लोग योग करेंगे। तो योग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो योग का सूत्र होता है 1 से लगातार प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला होता है n(n+1)/2 होता है। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो आप जानते हैं कि n की जगह पर तो 47 है, बात समझिएगा, 47 है यहाँ पे, तो 47 और 47 और 1 करेंगे तो ये इंटू में 48 हो जाएगा, 47 और 47 और 1 48 हो गया, बटा में 2 और मेन बटा में हो जाएगा 3, क्योंकि भाग देना किससे है? 3 से, और ये बटा में 2 कहाँ से है? तो ये फार्मूला वाला आपका 2 है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये 2 से काटेंगे इसको 24 बार में कटेगा, तो अब 24 में यदि आप 47 से गुना कर लीजिए या फिर डायरेक्ट इसमें भाग लगा लीजिए, देखिएगा यहाँ पे 47 × 24/3, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बारी बारी से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 3 से भाग लगाएंगे तो ये 24 पूरा पूरा कर जाएगा, तो इसका शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो जैसे ही 0 बचेगा तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो परिणाम क्या आएगा? 0 आएगा, और आप जानते हैं कि 0/something यानी कि रिमाइंडर बराबर हो जाएगा 0, और यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको पार्ट 2 में बहुत मजा आया होगा। चलिए स्टूडेंट, एक इसका पार्ट और आपका बच गया है, वो पार्ट 3 में हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद आपका रिमाइंडर थ्योरम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से भी सवाल आएगा उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।